नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खास खबर। खास खबर में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो दिन भर की सुर्खियां बनती है। ऐसी कुछ खबरें हम लेकर आए हैं इस खास पेशकश में। खास खबर में उत्तर प्रदेश की गोरखपुर की बात, जहां औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में बनने वाले प्लास्टिक पार्क को मंजूरी दे दी गई है। यहां 52 एकड़ से प्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा। इस परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अप्रैल 2021 तक तैयार हो जाएगी। इसके अलावा गोरखपुर में 8,000 करोड़ रुपए से बन रहा खाद कारखाना जून जुलाई तक शुरू हो जाएगा। यहां पर कौशल विकास केंद्र भी बनाया जाएगा, जहां युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें खाद कारखाने में समायोजित किया जाएगा। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा आज गोरखपुर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। मुख्यमंत्री में पूजा अर्चना के बाद केंद्रीय मंत्री ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ के गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ के समाधि स्थल पर जाकर उन्हें भी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के खाद कारखाने के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। 28 करोड़ की लागत से बनने वाले दक्षिण कोरिया निर्मित विशेष रबर से बने डैम का भी निरीक्षण किया। इसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक की। माना जा रहा है HURL में काम अब निर्णायक दौर में है, बहुत जल्द इसके लोकार्पण की तारीख भी आ सकती है। जापान की टोयो कंपनी ने एक फर्टिलाइजर कारखाना एप्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत लगाया था और हम सबको प्रसन्नता होनी चाहिए कि इस समय जो मुख्य यहां पर कार्य करने वाली संस्था है वह वही टोयो कंपनी है जिसने 1967-68 में गोरखपुर में फर्टिलाइजर का प्लांट लगाया था। हम सब जानते हैं बहुत अच्छा प्लांट था और उसकी जो फर्टिलाइजर थी ईस्टर्न यूपी नहीं बल्कि बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और अन्य राज्यों में बहुत लोकप्रिय थी। आज वही कंपनी गोरखपुर में इस HURL के प्लांट को लगा रही है। तो केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने आज उत्तर प्रदेश को कई सौगातें दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। सीएम के साथ खाद कारखाने का निरीक्षण भी उन्होंने किया। जल्द ही गोरखपुर को प्लास्टिक पार्क की सौगात मिलेगी। 52 एकड़ में ये प्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा। गोरखपुर में 8,000 करोड़ की लागत से खाद कारखाना भी बनेगा। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा आज गोरखपुर पहुंचे और इस खबर पर हम सीधे चलते हैं हमारे स्टेट हेड RC भट्ट के पास। भट्ट साहब, आज कई सौगातें दी केंद्रीय मंत्री ने और मुख्यमंत्री भी साथ में मौजूद रहे, तो उत्तर प्रदेश को विकास पथ पर आगे ले जाने की जो मंशा योगी आदित्यनाथ की है, धीरे धीरे उसमें उन्हें सफलता हासिल होती जा रही, क्या कहेंगे? गोरखपुर के लिए यह बहुत बड़ी सौगात है और निश्चित रूप से जिस तरह से ये खाद कारखाना 1968 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था और वो खाद कारखाना 1990 में बंद हो गया और निश्चित रूप से हजारों लोग बेरोजगार उस समय हो गए थे। मैं खुद इस खाद कारखाने को कई बार मैंने देखा है क्योंकि मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ और बहुत नजदीक से उन विस्थापित लोगों को जो वहां से विस्थापित हो गए थे, जो कारखाने से जिनकी नौकरी चली गई थी, VRS ले लिया, उनको निकाल दिया गया, उनकी व्यथा को देखा है। निश्चित रूप से क्योंकि योगी आदित्यनाथ उस समय लगातार सांसद रहे गोरखपुर से, उनकी ये कोशिश रही कि निश्चित रूप से यहाँ खाद कारखाना फिर से जो है दोबारा स्थापित किया जाए, उसको चलाया जाए ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। और निश्चित रूप से जब वो मुख्यमंत्री 2017 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके पहले प्रधानमंत्री ने 2016 में इसका शिलान्यास किया और उनकी ये लगातार कोशिश रही कि इस खाद कारखाने को फिर से जो है इसका पुनर्उद्धार करके इसको चलाया जाए और लोगों को रोजगार दिया जाए। और जब से मुख्यमंत्री हुए लगातार वो केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्रालय से संपर्क में रहे, वहां के सचिव से, वहां के अधिकारियों से, केंद्रीय मंत्री से, और उसके साथ साथ जो है इसको उन्होंने फिर से शुरू कराया। लगभग 52 एकड़ में 8,000 करोड़ की लागत से ये कारखाना फिर से तैयार हो रहा है और आज केंद्रीय उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा यहाँ पहुंचे, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी उनके साथ थे और उन्होंने इस खाद कारखाने का निरीक्षण किया और जिस तरह से उच्च तकनीकी जो ये संयंत्र है वो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं अत्याधुनिक रूप से ये खाद कारखाना स्थापित किया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है अविनाश
कि जापान की जो कंपनी है, इसका जो रबर डैम है वो दक्षिण कोरिया का है, ये तमाम जो उच्च तकनीकी और उच्च संसाधनों से इसको लैस करके यहाँ पे खाद का उत्पादन किया जाएगा और ये निश्चित रूप से पूर्वांचल के लिए, खासतौर पर गोरखपुर वासियों के लिए बड़ी सौगात है और वहाँ के लोग कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर इस खाद कारखाने को जिस तरह से आगे ले आने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है, इसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दे रहे हैं और निश्चित रूप से जिस तरह से सदानंद गौड़ा के साथ योगी आदित्यनाथ ने उसका निरीक्षण किया, निरीक्षण करने के साथ साथ उन्होंने सीधे तौर पर प्रेस को संबोधित किया और उन्होंने तमाम उस जो विकास के बिंदु हैं उस पर उन्होंने प्रकाश डाला और सदानंद गौड़ा ने भी ये तमाम ऐसी बातें जो लगातार वो मुख्यमंत्री के संपर्क में थे, मुख्यमंत्री जब भी कोई निर्देश देते थे या केंद्रीय मंत्री से संपर्क में रहते थे, वो जो निर्देश देते थे उसका वो जो है बहुत तेजी से अनुपालन कराते थे, तो ये तमाम चीजें उन्होंने आज अपने कहीं ना कहीं भट्ट साहब जी भट्ट साहब एक बात और पूछना चाहूंगा, ये जो सौगात खाद कारखाने की गोरखपुर को मिली है, कितने लोगों को रोजी रोजगार का ये जरिया बनेगा, इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? निश्चित रूप से अगर हम कहें तो इसमें सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा जी। और जिस तरह से क्योंकि खाद कारखाना चालू होने जा रहा है, निश्चित रूप से यहाँ मजदूरों की आवश्यकता होगी, टेक्नीशियन की आवश्यकता होगी और इसमें जो अन्य जो भर्तियां हैं वो भी तेजी से निकलेंगी, तो एक जो रोजगार है और ये योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता रही है कि क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिले, यानी कि अगर कारखाना यहाँ स्थापित है गोरखपुर में है तो गोरखपुर के आसपास के लोगों को एक रोजगार मिले और अभी जिस तरह से जहाँ खाद कारखाना है वहाँ एक चिड़ुआ ताल है और उसको उसी तर्ज पर यानी रामगढ़ ताल जो एक पर्यटक स्थल है गोरखपुर का और एक बड़ा सा ताल है और उसमें तरह तरह के जो है मनोरंजन के साधन उन्होंने मुहैया कराए हैं, उसी तरह से उस खाद कारखाने के पास एक ऐसे ताल को विकसित करने की भी बात है कि लोग वहाँ पर्यटक स्थल के रूप में भी आए और इस खाद कारखाने के साथ साथ कम से कम वहाँ हजारों एकड़ में जो आबादी बने, वहाँ नए मकान बने, लोगों को रिहायशी मकान मिले और उसके साथ साथ वहाँ कॉलोनी विकसित हो, लोग जो है वो बढ़ते गोरखपुर की तरफ जो है वो बढ़े, ये निश्चित रूप से ये विजन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का है। प्लास्टिक पार्क भी बन रहा है वहाँ भट्ट साहब? हाँ निश्चित रूप से ये जिस तरह से मुख्यमंत्री ने वहाँ एक बड़े पार्क की घोषणा की है और उसको विकसित करने की बात कही है, तो पूरा फोकस कहीं ना कहीं उनका गोरखपुर सीएम सिटी पर है क्योंकि सभी लोग उनको सीएम सिटी मानते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का वो कर्मस्थली है, पीठाधीश्वर है वो गोरखनाथ मंदिर के, और निश्चित रूप से जो है वो कहीं ना कहीं गोरखपुर में चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो इंसेफ्लाइटिस का जो बहुत बड़ा एरिया रहा है उसमें 95% जो है उससे लड़ने से सफलता मिली है और जिस तरह से पानी की समस्या है उस चीजों पर उन्होंने ध्यान दिया है, सिंचाई को लेकर उन्होंने प्रायः देखा जाता था कई वर्षों से वहां बाढ़ आती थी तो उसको लेकर उन्होंने तमाम जो है डैम बनाने के लिए और खासतौर पर बंधे बनाने के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए और उस पर भी काम चल रहा है, कई सिंचाई की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण उन्होंने कराया, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके मन में ये है कि कोई शिकायत न करे कि आगे चलकर कि यहाँ कोई मुख्यमंत्री हुआ था और वो विकास के कार्य नहीं कर पाया। बिल्कुल स्वाभाविक भी है भट्ट साहब की, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं तो गोरखपुर की जनता को उन पर विश्वास भी बहुत है, आप अपेक्षाएं भी बहुत है और उन अपेक्षाओं पर निश्चित तौर पर वो खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो दो सौगातें उन्होंने गोरखपुर को दी हैं उसी का परिचय देती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए। तो गोरखपुर को आज योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री ने कई सौगातें दी, खाद कारखाने का लोकार्पण उन्होंने किया, खाद कारखाना बनने के बाद यहाँ हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और गोरखपुर को एक विकसित शहर बनाने की दिशा में जो प्रयास योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं उस दिशा में ये मील का पत्थर भी साबित हो सकता है।